मैं आपको बता दिया हूं इसमें कि सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई आर वन प्लस यहां पर क्या हो गया, आई आर टू। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए करंट यहां भी सेम है, जितना करंट इसमें जा रहा है उतना करंट यहां भी जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस यहां आर वन है, यहां पर क्या है, आर टू है, तो यहां वोल्टेज क्या हो रहा, वी टू हो गया। बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे हम, आई को हम कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, और यहां क्या है, आई आर, तो आई से आई क्या हो गया, कैंसल हो गया, बचा मेरा क्या, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ये है आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, किसका, सीरीज का। सीरीज में कोई भी अगर रेसिस्टेंस ऐड किया हुआ है तो सारे को रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐसे करके जोड़ दीजिए, वो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, करंट क्या होती है, सेम होती है, बट वोल्टेज क्या होती है, डिफर करती है। मैं यहां बोल चुका हूं, करंट क्या होती है, सेम होती है बट वोल्टेज डिफर होता है। देखिए करंट यहां पे भी सेम है, यहां भी सेम, लेकिन वोल्टेज यहां अलग है, यहां वोल्टेज अलग है। अब देखिए ये सेम होने के बाद इसका फिगर कैसे बन जाता है, तो इसका फिगर बन गया, ये जब दोनों जुड़ जाता है तो बन जाता है इस प्रकार से, मतलब आर वन और आर टू क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, तो फिगर इस प्रकार से हो गया, ये हो गया इसका फिगर, ये हो गया आर इक्विवेलेंट, ये इसका फाइनल फिगर हो गया। आप ऐसा होने के लिए बने लगते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सीरीज रेसिस्टेंस का, मैं इसको न्यूमेरिकल बताऊंगा। आइए हम लोग अब देखते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। ये तो आपने क्या है, सीरीज में है, पैरेलल में क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें करंट जो होता है, ठीक है, मैं यहां पर नोट बना के लिख देता हूं। यहां पे करंट जो होता है, करंट यहां पे क्या था, सेम था, तो करंट यहां पे क्या करता है, डिफर करता है, यहां करंट क्या करता है, डिफर करता है, और वोल्टेज सेम होता है, ये याद रखना, किसमें, तो पैरेलल में। अब देखिए बाई ओम्स लॉ के माध्यम से, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, तो क्या मुझे आई बराबर हो सकता है वी बाई आर, क्लियर, वी बाई आर फॉर्मूला है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जब वोल्टेज आ रहा है तो यहां तक करंट है, अब करंट यहां पे क्या हो गया, आई वन इधर गया और आई टू इधर गया, करंट क्या करता है, बढ़ जाता है करंट। तो अब देखिए हम इसके साथ निकालेंगे और इसके साथ निकालेंगे, दोनों के साथ निकालेंगे, तो यहां पे क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, करंट हमारा क्या गया, बढ़ गया, आई बराबर क्या निकला है यहां पे, वी बाई आर इज इक्वल टू आई वन, हमारा क्या हो जाएगा, वी, देखिए वोल्टेज हमारा सेम है, यहां भी वोल्टेज हमारा वी है, यहां भी वी है और यहां भी वी है, तो वी बाई हो जाएगा यहां पे क्या, आर वन प्लस यहां हो जाएगा वी बाई आर टू, समझ में आ रहा बात, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से वी को हम कॉमन लेंगे, तो v by r इक्वल टू v 1 by r1 प्लस 1 by r2, v से हम v कैंसिल कर देते हैं, मेरा क्या बचता है, 1 by r इक्वल टू 1 by r1 प्लस 1 by r2,
आपका पैरेलल इक्विवेलेंट। अगर जब भी कभी सीरीज अगर पैरेलल में होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सर ये दो रहता है, अगर तीन रहेगा, सपोज तीन रहे तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/3। अगर यहां तीन रहेगा तो r = r1 + r2 + r3। ओके, क्लियर हो गया। तो ये याद रखेंगे कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, r1 + r2, और इसमें क्या होता है r1 = 1/r1 + 1/r2। ये ज्यादा कठिन कंपटीशन है, पूछता है आप अभी से। अगर आप नॉर्मल कंपटीशन वगैरह को जैसे एयरफोर्स हो गया, इसमें फिजिक्स ज्यादा पूछता है, आप बेसिकली पॉइंट को पकड़िए, फॉर्मूला कैसे पकड़िए। अभी और भी मैं बहुत सारी फॉर्मूला को ड्राइव करूंगा आपको, तो ये फॉर्मूला आपको निकल गया, एक बार जैसे आप देख लीजिए, फिर मैं इस पर आपको दो न्यूमेरिकल बताता हूं। हो गया, देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन और पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन बताता हूं। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, इन सारी क्वेश्चन, बट कैसे बढ़ाया जाता है आपको ये फिर से मुझे एक बार रिकॉल करो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज r = बोलो मेरे साथ r = r1 + r2 + so on। इफ वी आर यूजिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, इट मीन्स डिफरेंट, मतलब कह सकते कि बहुत सारा लगा सकते हैं अलग अलग, कोई एक ओम का है, कोई दो ओम का है, कोई चार ओम का है, पांच ओम का है। अगर हम सीरीज में लगा दिए तो हम इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, r = r1 + r2 + so on। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r1 = 1/1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करता है, सबसे पहले आ रहा है कि हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको ओम्स लॉ जब पढ़े होंगे तो V = I, मतलब वहां पर क्या था, सिंगल रेजिस्टेंस था। अगर वोल्टेज हमारा 16 दिया हुआ है और करंट हमारा 4 दिया हुआ है तो R निकाल सकते हो, V = IR, तो R = क्या हो जाएगा, V/I, तो 16/4, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे दो रेसिस्टेंस है, तीन रेसिस्टेंस है, चार रेसिस्टेंस है, यहां देखिए तीन है, यहां देखिए कितना है, पांच है। आपने इनसाइड में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, साथ ही साइड में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें क्या है कि पांच छह रेसिस्टेंस है एंड टोटली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड विद ए वन बैटरी, द वोल्टेज विल सप्लाई बाय 12 वोल्ट। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, व्हाट यू विल डू, you will do this connect in a series and find the R equivalent in series, r1 + r2 + r3 and so on। okay, come dekhiye ye aapki kya series hai, sabse pehle kya karenge na, r hame kya nikalna hai, yahan par karna kya hai, yahan pe karna hai ki sir 6 volt hum de rahe hain, 6 volt hum sab battery supply kar rahe hain, power supply kar rahe hain, isme mera do resistance laga hua hai is circuit mein, bataiye ki electric current पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है।
अब ये बताइए कि करंट यहां पर कितना होगा और करंट यहां कितना गया होगा। तो V आपको पता है, R पता है, I इसके माध्यम से निकाल देंगे, फिर I इसके माध्यम से निकाल देंगे, R पता है, V पता है, I निकाल देंगे। टोटल इक्विवेलेंट करंट पूछेगा तो I प्लस I1 दोनों जोड़ देंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है, वहां पे देखिए एक सर्किट जोड़ा हुआ है, यहां पे आपका पैरेलल दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि पैरेलल के टाइम में आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 by R3। अब क्या करेंगे, 1 by R1 कितना है 6 प्लस ये कितना है 4 प्लस ये कितना है 2। अब देखिए क्या करना होगा, सारे को आप एलसीएम ले लीजिए, 6 4 2 और इस में डट है, ठीक है, आप कर सकते हो 2 3 2 1, 3 + 6 6 + 8 6 + 12 कितना हो गया, 3 + 6 6 + 12। तो क्या करेंगे हम, 12 करेंगे यहां पे, 6 × 12 यहां पे 2 आएगा, 4 × 3 = 12 है ना, 2 × 6 = 12 कितना हो जाएगा यार, 3 × 2 = 5, 5 + 6 कितना हो गया 11 / 12, 1 / 1 आ गया। तो क्या ये रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल गया, नहीं निकला था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसको क्या करना है आपको, चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको आरपी लिखेंगे जब, तो क्या करेंगे इसको हम उलट देंगे, तो हो जाएगा 12 / 11, 1 / R ही नहीं लिखना है, R निकालना है, तो R को जैसे लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे हम उलट देंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6, करना क्या था हमको, I फाइंड करना था, तो I बराबर अभी आपको फॉर्मूला बताया गया है V / R, तो V हमारा कितना 6, R कितना है 12, ठीक है, ये है 11, तो 6 / 12 ये हो जाएगा आपका V। तो यहां से जो आंसर आएगा आपको एम्पियर में वही क्या होगा, आप सब कर लेंगे, बस आपको फॉर्मूला को लगाना है, पैरेलल है तो पैरेलल लगा देना है, सीरीज है तो सीरीज में लगा देना है, कोई जरूरी नहीं है कि बगल में हो, ये यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, ठीक है। चलिए एक मैं क्वेश्चन और लेता हूं आपको, देखिए अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ देखिए, ये हमारा टर्मिनल ए है, ये बी, दोनों को मुंह पे पकड़िए और दोनों को इस प्रकार से खींचिए, दोनों को लंबा कीजिएगा, तो ये आपका एक अलग बन जा रहा है और ये अलग बन रहा है, एक ही काम है। तो इसको भी हमें क्या करना है, सोचना यहां पे है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पैरेलल वाले को सीरीज में लाना है, पैरेलल वाले को सीरीज में लाना है, इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, तो इसको क्या करना है, पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1 / R इसका निकल जाएगा, तो 1 / R1 + 1 / R2, 1 / कितना है 10 है प्लस 1 / 10, एलसीएम हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 1 / 2, तो 1 / R3 = 10 / 2 बोले तो 5 ओम। दूसरा देखिए अगेन 1 / R3 = 1 / यहां कितना मिले, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं फॉर्मूला क्या लिखो यार, तो देख रहा हूं आपको 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 4, ठीक है। फिर आप क्या करो, एलसीएम ले लो इसको, 4 2 3 का 2 2 1 3 हो जाएगा, फिर प्लस 6 + 12 ये रहना सबको। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, 12 यहां पे कितना हो गया आपका 6, यहां कितना हो गया 4, यहां पे कितना हो गया 3,
13 by 12, 1 by RP, तो RP equal to कितना होगा 12 by 13, क्या ओम में आ गया। अब ऐसे वाले को क्या करना है, अब देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से एक रेसिस्टेंस यहां लगा है, दूसरा एमीटर लगा होता है, ये भी सीरीज में होती है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। फिर नीचे की ओर आएंगे, एक रेसिस्टेंस लगा है, यहां पे क्या है बैटरी है। अब देखिए दोनों तार को अलग कीजिएगा तो फिर क्या आ गया, ये सीरीज में। तो क्या अभी तक हो गया या नहीं हुआ? अब ये सीरीज वाले को क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज में, क्या करना है सीरीज में। तो यहां से देखिए इसका कितना निकला है यार 5 ओम, इसका कितना निकला है 12 by 13। तो हम क्या करेंगे, R equivalent equal to R1 plus R2। तो R1 मेरा कितना है 5 plus हो गया 12 13, डिवाइड करेंगे यहां पे हमें इससे मिलेंगे 13, ये कितना हो जाएगा 65 plus 12। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 to 7 और 6 1 7 by 13, तो ये R इक्विवेलेंट निकल गया इसमें 17 by 13 हो गए। ये निकला फाइनल रेजिस्टेंस। ये मत सोचना कि इसका हम 1 by R निकाल लिए, इसका निकाल लिए, हो गया नहीं। जब वो दोनों निकल के एक बन गया, तो एक बन गया तो फिर भी अभी तक क्या हुआ, सीरीज में। तो सीरीज में है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे इक्विवेलेंट इन सीरीज। तो फिर वहां से निकाल लेंगे। अब ये इसमें क्या पूछा था कि करंट बताइए कितना है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। तो वी इसमें कितना दिया हुआ है 12 एंड आर कितना निकला है 77 by 13। तो हम क्या करेंगे 12 77 by 13, यहां से जो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लग रही है, दोनों रेडियस
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसी से आया था कूलम्स। कहां से आया था? कूलम्स, कूलम्स लॉ आया है। ये क्या एक प्रकार का कूलम्स लॉ है, जो आपको मैंने बताया था कि चार्ज के यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो कूलम्स लॉ यही दिया था। द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and the square of distance between them is called electrostatic force. But ये चीज आपको आगे पढ़ना है, तो आपको ये सोचना है कि कभी भी अगर करंट फ्लो कर रही है, किसी भी सर्किट में जा रही है, किसी भी पाथ में फ्लो कर रही है, तो उसमें क्या है, हमारी जो मूवमेंट हो रही है, करंट की जो मूवमेंट हो रही है, तो क्या उसमें हमारे को हीट जनरेट करती है? तो एक बहुत ही कुफाते साइंटिस्ट थे, उनको बहुत कभी कभी शौक नहीं लगा है, ठीक है, जैसे आप लोग कभी 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 लगा होगा शौक, कौन सा, वो टीचर वाली बात, ठीक है, मैं तो कभी बच्चों को मारते नहीं हो यार, ये पता है आप लोग, ठीक है। तो उसका आपको ये बताया गया था कि कभी भी करंट अगर फ्लो करती है तो वहां से वायर के अंदर में हीट जनरेट हो जाता है। कभी अगर फैन मूवमेंट मूविंग कर रही है, फैन को जाके टच करना, चलते हुए फैन को नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में बोलना कि मैं फैन को बोला छोड़ने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर वही रावण वाली हाल हो जाएगी, ठीक है, बंद करके उसको जाकर टच करना, हीट वहां से पता चलेगा, गर्म है। किसी बल्ब को देखोगे, बल्ब अगर जरूरी है, बल्ब को अगर टच करोगे तो हीटिंग वहां से होगा। आप अगर फोन को यूज कर रहे हो तो फोन में हीट होता है, उसकी चार्जर को यूज कर रहे हो तो चार्जर में देखना हीट होता है। सर ऐसे क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, टीवी है, कोई भी सेट है, रेडियो सेट है, कुछ भी सेट ऐसा है, रेडियो सेट में क्या है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है, कोई भी ऐसी अप्लायंसेस है तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेगी तो हीट जनरेट होती है। तो आइए उसी हीट के बारे में, उसी हीटिंग के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कभी क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन या डिराइव द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि हीट, हीट मतलब क्या, एक प्रकार की एनर्जी है, उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है एनर्जी खुद ही क्या है। जब भी आपको मैं बताया था, आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात, पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर आपको याद होगी, तो आइए मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं, आप मेरे साथ बताएंगे, V इज इक्वल टू क्या हुआ था, W बाई Q, सारे को याद है, V इक्वल टू W बाई Q, W क्या रहा है, वाटर है, तो वाटर अगर किसी भी सोर्सेस में कंप्लीट कर रहा है, काम कर रहा है, तो पर यूनिट चार्ज ले रहा है, क्या हो रहा है उसमें, पर यूनिट चार्ज हो रही है। तो हम यहां पे ऐसे देख सकते हैं, वाटर इक्वल टू V इंटू क्यू, वाटर इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये बात आ गया, ये फॉर्मूला आपको कहां से देखे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले से। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू सर होता है वर्क डन बाय टाइम, व्हाट इज पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर उसे कहते हैं जो काम करने की क्षमता हो जिसके पास, तो काम किया जाता है कुछ समय के अंतराल में, उसे क्या बोलेंगे हम, पावर बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। यही फॉर्मूला याद रखिए, यही याद रखिए। अब ये फॉर्मूला देखिए, पावर इज इक्वल टू वहां गया W बाई T, अब देखिए तो W बराबर क्या निकालेगा, तो यहां से V इंटू क्यू बाई आया, पावर इक्वल टू आ गया, आ गया, आ गया, अब देखिए Q बाई क्या आपको पता है, I इक्वल टू होता है Q बाई T, करंट बराबर, तो मैं यहां पे देख सकता हूं पावर इक्वल टू V इंटू I, एक फॉर्मूला निकल गया पावर का,
पावर भी एक फॉर्मूला निकल गया। इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस है कि कोई भी अगर बल्ब का वाट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वाट के मतलब क्या है यार, मतलब ये हो गया कि पावर का यूनिट ही होती है वाट। क्या होता है यूनिट, में ज्यादा लिख दे रहा हूं, एस आई यूनिट ऑफ, ठीक है, एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जिसको हम लोग लिखते हैं सिंबल डब्ल्यू। ओके, सो पावर इक्वल टू कैसे निकाला हम लोग, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू V इंटू क्यू। अब जब हम वर्कडन को डिवाइड कर देंगे टाइम से तो क्या चल जाएगा, पावर, और वर्कडन बराबर V इंटू क्यू है, अब आई डी है यहां पे, क्यू बाई डी क्या होता है, करेंट होता है, तो V इंटू आई कर देंगे। पावर का पहला फॉर्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, नो द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करेंट इज कॉल्ड पावर। 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 20 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो पूछेगा कि बताइए तो, पूछेगा बताइए तो करंट कितना होगा, तो सीरियल के जैसा तीन बार दिमाग ऐसे सब घुमाना, करंट निकाल सकते हो क्योंकि पावर इक्वल टू वी इनटू आई होता है यार, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कर रहे हो। चलो अब बताइए, देखिए अब इसको डिराइव करो, अब यहां पे आपको ओम्स लॉ के माध्यम से, ओम्स लॉ के माध्यम से आपको ये पता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो बताइए तो पावर इक्वल टू V बराबर कैलकुलेट कर सकता हूं आई आर, आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला, V बराबर पुट कर दिए भाई ओम्स लॉ के द्वारा, यहां पे देख लीजिए है ना, V इक्वल टू आई आर, ये पावर इक्वल टू, अगर यहां पे ऐसे हम कर दे, ठीक है, यहां पे कर दे I बराबर V बाई आर, तो क्या हो जाएगा यार, इसी फॉर्मूला को चलो, पावर इक्वल टू V और I बराबर क्या है V बाई आर, V by R क्या हो गया, V स्क्वायर by R, ये भी पावर का फॉर्मूला, जितना मैं कवर कर रहा हूं सारा आपका पावर का फॉर्मूला है। कोई ऐसी पावर का फॉर्मूला है जो वाट के टर्म में है, वोल्टर के टर्म में, कोई पावर की फॉर्मूला जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में, कोई पावर का फॉर्मूला जो है करंट और रेसिस्टेंस के टर्म में, एक पावर का फॉर्मूला जो है ये वोल्टेज और करंट के टर्म, सॉरी वोल्टेज और क्या होगा रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। चलिए आइए, ये क्लियर हो गया यहां तक सारे बच्चों, क्लियर हो गया, अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया ना, अब आपको यहां पे ये ध्यान देना है, अगर कभी इस प्रकार से रहेगा इसे V स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या करोगे, P इंटू आर, तो यहां से वोल्टेज भी निकल जाएगा रूट अंडर P इंटू आर, ये भी कर सकते, क्या हो गया, ये क्लियर हो गया यहां से, ठीक है आ जाइए। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूं यहां पे कि अगर कभी भी जैसे कि यह पावर है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैं इसको यहां साफ कर रहा हूं है ना, अब यहां पे कभी थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक इनर्जी, जैसे कि पावर इक्वल टू क्या होता है, इनर्जी बाई टाइम, इनर्जी बाई टाइम, तो इनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, तो पावर बराबर क्या होता है, वी इंटू आई, तब एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, वी आई, और ये क्या है, अरे यार अब ये बताओ ये कौन सी एनर्जी थी, आखिर इसमें कौन एनर्जी था, तो इसमें है हीटिंग एनर्जी, इसमें है आपका हीटिंग एनर्जी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं V
heat energy equal to VIE. Formula of the potential difference current into time. So, ये कैसे हुआ? यही आपकी जूल्स लॉ है. तो जूल्स लॉ जो डिपेंड्स करता है, आप देखिए किस पे डिपेंड्स करता है. पहला बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. जब भी कभी करंट जा रही है तो हीट कैसे डिपेंड करेगा? हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्क्वायर ऑफ करंट का. ये पहला देख लिया. दूसरा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन करंट. दूसरा है कि जितना ज्यादा हीट होगी उतनी ज्यादा आपकी रेसिस्टेंस है, तो ये आपका आ गया. तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर द करंट फ्लो थ्रू रेसिस्टेंस. टाइम पे भी डिपेंड करेगा. आप करंट दे रहे हो, वोल्टेज दे रहे हो, लेकिन कितना टाइम दे रहे हो उतना टाइम हीट करेगा. कम टाइम यूज करोगे कम हीट करेगा, ज्यादा टाइम यूज करोगे ज्यादा हीट करेगा. ये टाइम हो. अगर तीनों इक्वेशन को आप एक खाते हो तो होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. एच आई स्क्वायर आर इंटू टी. अब देखिए यहां से कैसे हुआ. तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है आई आर. आई आर होता है यहां पे, और हम इसको क्या कर दिए? V बराबर यहां पे आई आर लिख दिए. और आई मेरा पहले से था और ये T, तो क्या बन गया? I इंटू आई आई स्क्वायर आर टी. बात बराबर है. तो एक बार फिर से आप याद रखें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो कभी भी किसी भी अप्लायंसेस में अगर करंट पास कर रही है तो वहां से हीट जनरेट करती है. हीट जनरेट करती है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या? हीटिंग एनर्जी है. और हीटिंग एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का और इसका टाइम का. तो यहां से आप बता सकते हैं. ये मैं आपको फॉर्मूला दे दिया हूं. इससे आप टोटल यहां से आप निकाल सकते हैं. कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, यहां से आप बना सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा. अभी मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा उस चार्ट को, या फिर नहीं तो रहने दो यार, कुछ क्वेश्चन बता देता हूं. जो चार्ट मैं ड्रॉइंग करूंगा उस चार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में एक पिक्चर बनाकर दे दूंगा. उस चार्ट को आप क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट में पॉज करके उस फॉर्मूला को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उस फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिएगा. ठीक है, तो सारा फॉर्मूला एक जगह आ जाएगा. ठीक है, अभी जो हम लोग टाइम लेंगे ये कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बन जाता है. ठीक है, इसको पहले आप लिखेंगे. देखिए मैं आपको तीन प्रॉब्लम दे रहा हूं. ठीक है, एक मैं आपको साइड में कुछ होमवर्क दिया हूं, कुछ रेसिस्टेंस दिया हुआ है, उसका कनेक्शन किया हुआ है, ये क्वेश्चन सीरीज में पूछा हुआ है. अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको घर में प्रैक्टिस करना है यार कि पैरेलल कैसा होता है, सीरीज कैसा होता है, उसकी इक्विवेलेंट कैसा होता है. जब भी कभी आपको देखना है ना कैसे कर सकते हो, उसके दोनों टर्मिनल जो है ना वोल्टेज की सेल की, उसको आप क्या करो फैला दो. तो जैसे कि ये मेरे हाथ में गया तो इस पर क्या एक रेसिस्टेंस है, तो एक में मत दो. और इस पर है, अगर इस पर क्या है ब्रांच निकला हुआ है ऊपर नीचे, इसका मतलब है इस पर मेरा क्या है पैरेलल है. तो पैरेलल वाले को क्या करो इक्विवेलेंट में निकालो. इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, सीरीज में निकल जाएगा. तो ये ऐसी प्रॉब्लम है आपकी. अब मुझे देखना है कि एक मैं क्वेश्चन सुना रहा हूं आपको. ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, 176 ओम रेसिस्टर है जिसके पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है, तो कितना रेसिस्टेंस होगा? 5 रेसिस्टेंस होगा, 6 होगा, 7 होगा, 4 होगा. मतलब कि कितना रेसिस्टेंस होगा जो हम पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे
तो मेरा कितना कितना उसमें रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, क्लियर हो गया ना बात आपको। अब देखिए यहां पे आपको करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो पहले एक अब रेसिस्टेंस निकालिए, रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है, देखिए V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई, तो V हमारा कितना दिया हुआ है 220, I कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 44, 44 ओम आ गया। अब ये 44 ओम आ गया, बोल रहा है कितना रेजिस्टर है, तो हमें क्या करना है, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो बताइए कि वह कितना रेजिस्टेंस ऐड किया गया। तो आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 1 by RP = 1 by R1 + 1 by R2 + 1 by कर सकते हैं कि 3 + 1 by 4 + 2 on। अब देखिए 1 by R एक रेजिस्टेंस को हम निकाल चुके हैं कि हमारा रेजिस्टेंस एक इतना है, तो कितना रेजिस्टेंस ऐड करेंगे ड्राइव कर, तो इसको हम क्या करेंगे 1 by 44 = एक व्यक्ति इसको लगाइए 1 by 76 + 1 by 76 + 2 on तक मान। अब देखिए क्या करते हैं 1 by 44 = हम समझ लेते हैं कि x है, x रेसिस्टेंस का इतना है, एक रेसिस्टेंस का इतना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4 रेसिस्टेंस का लगा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 176 अभी आपने क्या है एक्स, एक्स रेसिस्टेंस का इतना, तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यार, 44x = 176। अगर हमको एक्स निकालना, एक रेसिस्टेंस में निकालना उसका कितना ओम होगा, तो यहां पे ध्यान रखना है कि 176 by 44। अब बताना है आपको कितना रेसिस्टेंस हम जोड़ेंगे, देखिए तो डिवाइड कीजिएगा, कट कीजिएगा, तो कितना निकलेगा 4, मतलब ये हुआ कि रेसिस्टर मेरा कितना था 176 था, 4 रेसिस्टेंस को हम ऐड किएंगे, 4 पैरेलल कनेक्शन लिए इस प्रकार से, ऐसा लिए है, और टोटल इक्विवेलेंट हमारा इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, हम निकाले 44, जिसमें करंट पास कर रहा है 5 एम्पियर और वोल्टेज कितना है 220, तो पूछ रहा है कितना रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे हम, तो हमें अपना 4 रेसिस्टेंस को ऐड करने के बाद हमारा पता चल जाता है कि उसकी टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा कितना होगा 176 होगा, ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए क्वेश्चन आगे है, देख लिए, देखिए मैं इसको साफ करूं, एक क्वेश्चन है यार, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक आपका रेसिस्टेंस है जो 24 ओम का है और इसे इसमें करंट सॉरी वोल्टेज पास किया जा रहा है कितना 220 वोल्ट, तो बताइए कि इसमें करंट कितना होगा, बहुत इजी है, V इज इक्वल टू आई आर, आई बराबर निकाल देना है डी वाई आर निकाल देना यार, उतना बार में क्या करना तुमको, ठीक है, अगर बोला कि 24 ओम का रेसिस्टेंस का अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में करंट कितना होगा, तो ये थोड़ा है पर कुछ नहीं, देखो ये ओम हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, इसमें करंट हो, वोल्टेज पास कर दिया कितना 220 वोल्ट, ये 24 ओम का है, ये 24 ओम का है, अब क्या करना है 1 by RP निकालना है, 1 by R1 + 1 by R2 + 1 by 24 + 1 by 24, क्या निकल जाएगा यहां से, एलसीएम लेंगे 24 जमा हो जाएगा 2, 1 by RP
RP इक्वल टू व्हाट? 12 ओम निकल गया। अब 12 ओम निकल गया, मेरा वोल्टेज अगर मैं दिया हुआ है तो I बराबर हो जाएगा क्या V बाई R, V मेरा कितना है 220 बाई 12, यहां जो आंसर आएगा क्या होगा यार बस बंद आ गई, क्लियर हो गया बस हो गया आपका ठीक है। तो मैं आपको आज मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बढ़िया तरीके से बता दिया हूं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से एक एक मिनट को हर सेकंड को आप देखेंगे ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान कहीं रहेगा सीरियल पे तो कहा गया ना, ये कहा गया है कि आज का जो लॉकडाउन सिस्टम है ना, इस लॉकडाउन सिस्टम में एक ऐसी हालात बन गई है, एक ऐसी हालात बन गई है कि ट्रेन वाली हालत हो गई है। ट्रेन वाली हालत को समझते हो, ज्यादा कुछ मत समझना। ट्रेन में क्या होती है, लोग बाथरूम जाते हैं और अपना सीट पे आके बैठ जाते हैं। तो उसी प्रकार से घर में भी एक ऐसी सिस्टम हो गई है कि बाथरूम से जाइए ठीक है, अपने काम कीजिए और उसके बाद अपनी जगह पकड़ लीजिए। तो अपनी जगह आपको सीरियल और टीवी वाले के पास नहीं है, अपनी जगह कहाँ है, स्टडी रूम में। ये नहीं कि ट्रेन वाली हालत रखी जगह दम कर लिया ऐसा ठीक है ना, नहीं तो फिर वही रोजमर्रा की जो जिंदगी होगी वो होगी आपकी ठीक है। ओके थैंक यू एवरीवन, आज मैं आपको टोटली बता दिया हूँ, आप इसको बना लीजिएगा और इसका नोट्स भी कर लीजिएगा, मैं होमवर्क भी दे दिया हूँ आपको। और ये ध्यान रखिएगा सारी चीज को बनाते जाइए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारा चीज बनाते जाइए। नई प्रॉब्लम्स बनेगा तो हमको मैसेज कीजिए, उस पोर्शन पर हम लोग फिर से बात करेंगे। और मैं एक बार फिर से बोल देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो ऐसे टुकुर 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 देखते रहिएगा। और ज्यादा टिकटॉक करने की जरूरत नहीं है ठीक है, क्या समझे, ज्यादा टिकटॉक करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए थैंक यू। ओके देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करके लाया, कंज्यूम मतलब समझ रहे हो, कंज्यूम मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी का निचोड़ ठीक है। टोटल करने मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होती है इसका मतलब क्या है, खाना जानते हो बचाना नहीं जानते हो, देखो पहले ठीक है। एक हम चार्ट बनाए, अब इस चार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन फॉर्मूला किसके इस पर लाना पड़ता है और न्यूमेरिकल में कहां से कौन फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन इसके लिए इसके पहले आपको एक बार ध्यान रखना होगा कि आप क्या क्या पढ़े हो, रिकॉल करना होगा, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ भी पढ़े हो रेजिस्टेंस के बारे में ठीक है, इस पर थोड़ा रेजिस्टिविटी नहीं है यार, थोड़ा ध्यान रखना उसको याद रखना ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आप क्या पढ़े हो, इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो इसमें नहीं है यार ठीक है, एकदम नॉर्मल होगा ध्यान रखेंगे। उसके बाद पावर, हीट के बारे में पढ़े हो ठीक है। तो आइए मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूं ऐसा, और यहां से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे, अभी तीन चार न्यूमेरिकल करेंगे, पूरी पांच न्यूमेरिकल पांच छह न्यूमेरिकल करेंगे आपका एनसीईआरटी का, और देखेंगे कि कौन से न्यूमेरिकल किस पे कहां से फॉर्मूला यूज होती है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखिए ये बोला क्या है कि एक बल्ब है, क्या है बल्ब है, एक और बल्ब है, इस बल्ब का पावर कितना है ठीक है, P1 दिया हुआ है कितना 100 वाट और इसमें वोल्टेज कितना जा रहा है 220। ओके दूसरा बोला गया है कि दूसरा जो बल्ब है आपका इसमें P2 बताइए पावर कितना होगा, जब इसके पास है कितना वोल्टेज P2 हमारा 110 होगा। दोनों को कनेक्टिंग किया गया है और बोला कि एक बल्ब का पावर इतना है और उसमें वोल्टेज इतना सप्लाई किया गया है, तो बताइए है ना, उसमें बताइए कि उसकी दूसरी बल्ब को बताइए कि अगर उसकी पावर कितना होगा। तो क्या करेंगे ना, इसके माध्यम से हमें पहले देखेंगे कि इसमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर देखो, ये पावर है, पावर के लिए क्या होता है वाट, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे देखिए इसमें से कौन फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला तो देखिए कुछ ऊपर है, चलो खत्म।
ये पावर का है, ये वोल्टेज वोल्टेज के लिए भी वो वोल्टेज का है, ये रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, ये करंट निकालने का फॉर्मूला है, ये पावर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए पावर का कौन सा यूज करेंगे, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज यही यूज कर सकते हैं, यही यही यूज कर सकते हैं, तो अगर ये वाला यूज करेंगे तो इसमें मेरा करंट है, जबकि करंट मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये यूज करेंगे रेसिस्टेंस, क्या रेसिस्टेंस पता है, रेसिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, देखिए यहां पे सबसे पहले पावर इक्वल टू क्या हो सकता है, v स्क्वायर बाई आर, तो यहां से कर सकते हो आप v स्क्वायर बाई आर, ये पता कर लो, यहां से रेसिस्टेंस इक्वल टू v स्क्वायर बाई हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये निकल गया आपका कितना हो गया 220 को आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई कितना हो गया 100, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, कितना हो गया 484 रेसिस्टेंस आ गया। अब क्या करेंगे इस रेसिस्टेंस को हमें पावर निकालने के लिए यहां पे यूज कर सकते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, तो यहां पे देखिए v कितना है मेरा 110 इंटू 110 डिवाइड बाई कितना हो गया 484, तो यहां से जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा, वेरी सिंपल था, कनेक्शन किया गया है, दोनों कनेक्ट किया गया है, दो बल्ब है, एक बल्ब का पावर दिया है, उसकी वोल्टेज सप्लाई किया गया, इसमें इतना वोल्ट कर रहा है, तो पूछ रहा उसकी पावर क्या होगा, आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए शब्दों पर इसको मैं देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास दो लैंप है, एक लैंप ये है एक लैंप ये है, दोनों को कनेक्ट किया गया है, पूछा गया कि बताइए जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा करंट कितना होगा, तो हम यहां पे क्या दिया हुआ है पावर, यहां पे दिया हुआ है P1 में 100 वाट और V1 दिया हुआ है 220 वोल्ट, इसमें V2 दिया हुआ है 60 वाट, इसमें V2 दिया हुआ है 220 वोल्ट, दोनों में वोल्टेज सेम सप्लाई किया जा रहा है, पावर अलग अलग है, तो बताइए करंट कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम P इक्वल टू क्या होता है VI होता है फॉर्मूला से, P इक्वल टू VI, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे I का P/V कितना हो जाएगा यहां पे 100/220 10/ यहां से भी आई निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा P 60/2, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे करंट निकालेंगे I1 + I2, तो क्या होगा I1 मेरा कितना है 10/22 + 6/20, यहां से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 22 और 10 + 6 कितना हो जाएगा 60, तो यहां से 8/11 ये मेरा क्या निकल गया एम्पियर, टोटल दोनों का करंट निकल गया। बस आप ये चार्ट को यूज कीजिए, इसका फॉर्मूला कहां पे लगेगा उसके माध्यम से लेके मैं बहुत अच्छा इसका निकाला है, इसमें आप यहां से यूज कर सकते हैं क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, ठीक है। एक एक न्यूमेरिकल और भी लेता हूं, ठीक है, आप देखते रहिए न्यूमेरिकल देखते रहिए, मैं एक न्यूमेरिकल और लेता हूं, एक न्यूमेरिकल यह है कि टीवी का सेट है, टीवी है ना, टीवी का सेट आपको पता है ना, घर में रिमोट लोग टीवी देख रहे हैं, अभी ज्यादा करके लोग को ये करना है किसी भी जैसे कि महिलाएं सेक्टर में लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा करके सीरियल लोग देख रहे हैं, अभी मार हो जाता है, क्या मार हो रहा है, रामायण का अलग टीवी सेट का अलग, ठीक है, तो रामायण देखने वाले लोग अलग है टीवी देखने वाले लोग अलग। अब देखिए यहां पर क्या आता है टीवी का आंसर टीवी सेट में उसका पावर दे रहा है, P1 दे रहा है कितना 250 वाट एंड टाइम दिया हुआ है कितना 1 आवर, मतलब कि अगर 1 घंटा टीवी चलता है इतना वाट का टीवी है, अगर 10 मिनट चल रहा है टोस्टर अब इतना वाट का है, तो बताइए कि यहां पे एनर्जी कितना कंज्यूम किया, तो एनर्जी बराबर क्या होता है आपको पता है पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम,
कर रहा है और ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। एक फॉर्मूला और भी अलग से आप लिख सकते हो, पावर इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी बाई टाइम। अब एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। तो हम पहले निकालते हैं टीवी का पावर कितना दिया हुआ है 250 वाट और टाइम दिया हुआ है 1 आवर। हमें इसको क्या करना है, जूल पर सेकंड होता है तो सेकंड में चेंज करना है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। इसको आप गुणा कर दीजिए 3600 सेकंड, यहां से आंसर निकाल दीजिएगा एनर्जी का, ठीक है। जो भी एनर्जी का आपका आएगा 25 × 36 इंटू कितना हो गया 201 पर कितना 3 जूल है ना, या आगे जून सेकेंड में आ गया, ओके जून में आ गया, सॉरी जून में आ गया। अगर आपको निकालना है कि इसका टोस्टर में कितना होगा, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए टोस्टर को, तो टोस्टर करके बस यही कीजिए आप, एनर्जी इक्वल टू पावर इनपुट टाइम, तो पावर कितना हमारे दिया हुआ है उसमें 120 सॉरी 12 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। इसको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो 10 × 60 कितना हो जाएगा 600 सेकंड, यहां पर हम लगा लेंगे 600 सेकंड, कितना हो जाएगा 72 और 400। तो देखिए इसका कितना एनर्जी होगा और इसमें कितना एनर्जी होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि टीवी का जो सेट है वो ज्यादा एनर्जी ले रहा है या टोस्टर का सेट है वो ज्यादा एनर्जी ले रहा है, तो यहां से आप एनर्जी निकाल सकते हो। क्लियर हो जाएगा सबको, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सब न्यूमेरिकल्स है, आप लगा सकते हो। जैसे कभी एक न्यूमेरिकल्स और भी देखो, ये फॉर्मूला को आप देखिए, ये फॉर्मूला का चार्ट जरूर बनाइएगा, जैसे एक न्यूमेरिकल और भी देखो। सपोज आपके पास एक ट्यूब है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, या फिर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिकल फैन है, इलेक्ट्रिकल एनी अप्लायंसेस, कोई भी अप्लायंसेस है, और इसमें करंट कितना जा रहा है 5 एम्पीयर जा रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है 25 ओम दिया हुआ है, 25 ओम दिया हुआ है, कितना टाइम करंट जाता है, तो बोल रहे हैं सर इसमें जो करंट जा रहा है 5 मिनट करंट जा रहा है, बताइए कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। ये जो फैन है, ये क्या है, फैन है आपका, ये फैन ऐसा नहीं होता है, समझ लो इसको, ठीक है, ज्यादा तुम्हें इसको सोच यार ये प्रकार से फैन है, चलो अरे क्लियर हो गया आपको। ये फैन बताइए कि फैन में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो आपको ये पता है कि एच या फिर एनर्जी इक्वल टू मैंने बताया था आपको VIT का मतलब ये नहीं सोचना कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड टाइम। अगर इसको और भी आप जनरेट कर रहे हो सर, यहां पे हमारा आर भी करने है, तो हम कैसे क्या करेंगे, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, V इज इक्वल टू देख लीजिए V इक्वल टू आई आर, तो हम क्या करेंगे यहां पे IR × I × T क्या हो गया I² × R × T। अब बैठा लीजिए फॉर्मूला पर, I बराबर कितना है 5 का स्क्वायर, R कितना है 25 और टाइम कितना है, इसको चेंज कीजिए सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा आपको 300 सेकंड, यहां पर आ गया 300। तो यहां से जो आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा वो किसमें आएगा, जूल में आएगा, किसमें आएगा जूल में, ठीक है। अगर ये एनर्जी पूछा और पूछ देता कि पावर बताइए मुझे, पावर बताए कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फैन, तो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो एनर्जी को हम क्या करेंगे, टाइम से हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी दे यार, तो कितना टाइम से, जो टाइम ले रहा था उससे निकल सकते थे, ठीक है, तो टाइम से सेकंड से डिवाइड करते हो एनर्जी आपको, तो पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी आपका
और किसमें निकलेगा वह वाट में निकलेगा, किसमें निकलेगा वो वाट में निकलेगा पावर। क्लियर हो गया सबको? ओके, तो आज के सेशन में हम लोग टोटल इलेक्ट्रिसिटी आज कंप्लीट कर रहे हैं। मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया। वो फील तो नहीं आ रहा क्लास वाला, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत एनर्जेटिक के साथ मैं पढ़ाया हूं आपको। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस लॉकडाउन के सिस्टम में, इस लॉकडाउन में आप घर में, ठीक है, एकदम फ्री होकर रहिए और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप टीवी, सोशल मीडिया, इधर उधर से अगर आप ज्यादा कॉन्टेक्ट होते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका भविष्य जो है बहुत ही सर्वोत्तम है। करोगे ऐसा? नहीं, बहुत ही जाने वाला है, नीचे गिरने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। ओके, मैं आपको बताया था कि जाते जाते मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा, लीजिए सुन लीजिए आप। मैं बोल रहा था कि लॉकडाउन में क्या है कि जितने भी आजकल क्या है ना कि पुरुष और महिला में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा ये हो रहा है ना कि कुछ लोग रामायण देखने में लगे हुए हैं, देश को बचाना है, कुछ लोग अपने सीरियल में लगे हुए हैं, कुछ भी होने वाला है अपने लगे हुए हैं। तो महिलाएं का मतलब कि एक काम ध्यान रखना, आज जियो का जमाना है तो कोशिश ये करना है कि महिलाएं का जो फोन है जियो की रिचार्ज वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर रिचार्ज खत्म होगा ना तो मतलब ये हो जाएगा कि घर में तूफानी शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और ये भी देखो बार बार क्या है ना कि कभी कभी ऑनलाइन भी करते रहता है, उसको आजकल कपड़ा लेने की जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत रहता है। तो क्या हुआ कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, पति जी देख रहे थे आपको रामायण देख रहे थे, तो पत्नी बोली जी मुझे अम्मा जान से साड़ी ला दो। तो अम्मा जान ने मतलब कैसे, पति बोल रहे अम्मा जान कैसे जाए, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। तो पति बोले, वो भी बोल रहे नहीं मुझे अम्मा जान से साड़ी चाहिए, अम्मा जान से साड़ी चाहिए। तो अम्मा जान क्या होता है, तो उनको पति को समझ में आया जब वह रामायण से हटे, कुछ ज्ञान लेकर हटे हैं, तब लगा अच्छा अम्मा जान नहीं होता है, अमेज़न होता है, ठीक है, क्या होता है, अमेज़न होता है। तो पहले उसको सिखाओ कि अमेज़न है कि अम्मा जान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और थैंक यू एवरीवन, आप कोशिश कीजिए सारी नोट्स को बनाने के लिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा, मैं बैक टू बैक आपको वीडियो डाल रहा हूँ, आप घर बैठे आप आराम से उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो यस सर, ओके सर, मैं आपको लिख के आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।